लालू यादव के साथ साथ लालू यादव के चिकित्सक भी अब परेशानी में घिरते दिख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों डॉक्टर उमेश प्रसाद द्वारा लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर दिए गए बयान पर जेल प्रबंधन ने रिम्स प्रबंधन से सवाल किया है कि बिना जेल प्रबंधन के अनुमति से डॉक्टर ने लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर मीडिया में क्यों बयान दिया है, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से डॉक्टर उमेश प्रसाद से सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि लालू यादव के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बयान जारी नहीं की गई है। अगर संस्था के बारे में या कुछ निकलता है तो अगर किसी के माध्यम से निकलता है तो हमारा फर्ज है उसको पूछें कि आपने बोला है ऐसा, ये शो कॉज नहीं है। वो अगर मान लीजिए बोलते हैं हमने नहीं बोला है जी, जी। तो कॉज कहाँ से हो गया? ठीक है, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा बोला है, बहुत चीज तो हम नहीं बोलते हैं, देखते हैं अखबार में छपा हुआ है। वही रिम्स में भर्ती लालू यादव से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर दिखे। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही थी कि लालू यादव की किडनी 25% ठीक काम कर रही है, इससे लालू यादव के परिवार की चिंता बढ़ गई थी। फिलहाल एम्स और अन्य दूसरे संस्थानों के बड़े डॉक्टरों से राय मशवरा ली जा रही है। क्या कुछ मुलाकात हुई, कैमरा देखे, क्या बातचीत हुई? नहीं यार, लगभग 4-5 महीने बाद हमारी मुलाकात हुई है उनसे, और हम लोग सब लोग जो है चिंतित थे इसको लेकर के, किडनी को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, कि लगभग 25% जो है किडनी काम कर रहा है और इसकी हम लोगों को चिंता है, और इनका ख्याल जो है जिस प्रकार से रखना चाहिए, हम सब लोगों को जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसको लेकर के सिर्फ रिम्स के ही डॉक्टरों से हमारी बात नहीं हो रही है, बल्कि जो दिल्ली के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, उन सब से हम लोगों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, और हम लोगों ने आग्रह भी किया है वहाँ के डॉक्टरों से कि एक बार आकर के जो है आदरणीय लालू जी को ज़रूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है जब किडनी मात्र 25% ही काम करती है। इसके बाद जो है दिक्कत, हम लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं डायग्नोसिस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग सब लोग आए हैं, बिहार का चुनाव भी ख़त्म हुआ है और सेहत भी जो है वो ठीक नहीं है, तो हम लोग यहाँ आकर के उनका हालचाल जाने हैं। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में एक बड़े राजनीतिक कैदी के रूप में इलाजरत हैं। ऐसे में कई बार सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, इसीलिए प्रशासन और जेल प्रबंधन की ओर से ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की तरफ से बयान जारी न किए जाएं। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।